हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और भाई आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन समझने के लिए हमें पूरा कंसंट्रेट की जरूरत होती है और साथ साथ आपकी आइडेंटिटी की जरूरत होती है। किस तरीके से आइडेंटिटी यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको फैक्टराइज कीजिए। क्वेश्चन है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab² इसको मुझे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने से पहले बच्चों जानते हैं इसलिए आइडेंटिटी कौन से लगाएंगे और किस तरीके से हम उस आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों आइडेंटिटी आपकी होती है a+b³। ये तो अभी सब बच्चों को पता ही होगा और नहीं पता है तो उसको याद भी कर लीजिएगा। a+b³ आपका होता है बच्चों a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a+b। अब इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा एक स्टेप और ओपन करते हैं और फिर जानते हैं इसका क्या आएगा। चलिए देखते हैं a³ + b³ + 3ab, इसको मैं ओपन करूंगा ब्रैकेट को आइडेंटिटी के लिए, तो ये मुझे क्या देगी, 3ab की a से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आइडेंटिटी मुझे देगी 3a² b। और फिर इसी 3ab की मल्टीप्लाई मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा इसी की फिर से, और ये मुझे देगी 3ab² ओके। और ये मेरा फाइनली स्टेज है इस आइडेंटिटी के, कंप्लीटली स्टेज है सोल्व करने के बाद। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वेश्चन को मैच करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 8a³ b³ 12a² b और 6ab² और आप देख रहे हो यहाँ पे तो कुछ ऐसा ही है, क्यूब है, फिर क्यूब है, फिर स्क्वायर b है और फिर ab² है। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी में चेंज किया जाए। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 8a³ है। सो पहले हमें बच्चे जानना होगा कि 8a³ है और हमारी कंप्लीटली टर्म ये क्यूब में होनी चाहिए। तो 8 जो होता है बच्चों 2 का क्यूब होता है, तो वी कैन राइट 2a³ और प्लस b³ + 3a² b। ओके, और यहाँ पे देखो 12 है, क्या है 12 है। अब यहाँ पे क्या है 3a² b, a क्या है जो इस स्क्वायर के अंदर, जो यहाँ पे क्यूब के अंदर टर्म है वो a है हमारा। तो सिमिलरली इसको भी मैं 12a² b को भी तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, ऐसे 3 × 2a, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 आया, और इंटू में बी, और 2a का भी क्या है होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3a² b है इस a के अकॉर्डिंग, और प्लस 6ab² है ना। और 6ab² में क्या है 3ab² की फॉर्म बनाएंगे, तो 3 × में a क्या है हमारा 2a, और इंटू में क्या है हमारा b² और b क्या है बच्चे यहाँ पे b ही है, तो 3 × 2a × b². अब ये जो मेरा क्वेश्चन था इस आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज हो गया। अब इस आइडेंटिटी को मैं क्लोज करूंगा तो ये 2a³ + b³ + यहां से बच्चों सिमिलरली जैसे 3ab था ना, तो इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या 3ab, 3 × 2a, क्योंकि 2a यहां पर भी है, सो 2a और इंटू में कितना b, ये कॉमन लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा ध्यान से देखिए, 2a कॉमन आ गया है, 3b कॉमन आ गया है, यहां पे क्या बचा हमारा bb कॉमन आ गया है, तो इसके अंदर क्या बचा हुआ है अभी ध्यान से देखिए, तो क्या बचा हमारे पास 2a और प्लस में 3 2ab, 3 2a और यहाँ पे b² b हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ भी हमारा क्या बचा बच्चों b बचा। अब ये फॉर्मूला कंप्लीटली इस फॉर्मूले जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसको जब अपने लोग क्लोज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या रखते हैं बेटा a³ + b³ लिखते हैं, ये a और ये b और इसका होल क्यूब कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर a देखो तो a आपका क्या है 2a, सो आपका 2a और प्लस में क्या बच्चों ये b है, b और इसका होल क्यूब, और ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। इसको चाहो तो आप तीन बार अलग अलग लिख सकते हो, 2a + b, फिर 2a + b और फिर आपका 2a + b, और ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वाला फैक्टराइज समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे, जैसे कि आपका डाउट और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों माइनस का है, और माइनस का है तो उसका मीन्स यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा। सो अपने लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला a - b³, और a - b³ आपका होता है बच्चों a³ - b³ - 3ab और a - b। अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ब्रैकेट ओपन करने पर क्या मिलेगा ध्यान से देखिए, a³ - b³ - 3ab की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 3a² b हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3ab². अब फाइनली आप देख रहे हो तो आपको यही फॉर्म फिर से मिल रही है, देखिए a³ - b³ - 3ab और प्लस 3ab². आप इसको चाहो तो यहाँ पे भी इसको क्लोज कर सकते हो,
क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन इसकी फॉर्म में आ गया ना, अब इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा तो एट ए क्यूब को क्या लिखूंगा बच्चों, उसको लिखूंगा टू ए का होल क्यूब माइनस बी का क्यूब। ओके, क्योंकि टू टू जा फोर टू जा एट, टू का क्यूब एट ही होता है, और ये हमारा बी का क्यूब हो गया माइनस क्या लिखना थ्री ए स्क्वायर बी, तो थ्री लिखो इंटू में ए स्क्वायर क्या है ये टू ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पे टू ए लिखो और इसका स्क्वायर कर दो और इंटू में बी रहेगा, तो उसके बाद प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री इंटू ए क्या है हमारा टू ए और बी ऑलरेडी यही है, तो थ्री इंटू टू ए और बी स्क्वायर। अब इसको बस आपको सिंपली क्लोज कर देना है माइनस का साइन लगाकर, ए के प्लेस पर टू ए है तो टू ए माइनस बी और इसका होल क्यूब आप लिख दीजिए, ये इसके फैक्टराइज हो गए, इसको चाहो तो थ्री टाइम और लिख लो टू ए माइनस बी, टू ए माइनस बी और टू ए माइनस बी, ये सबसे आसान तरीका है इसको करने का, बस आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड, तो आप डायरेक्टली बना दोगे 27 देखो क्या होता है थ्री का क्यूब है, 125 किसका होता है फाइव ए का और इसका होल क्यूब लिख दो, आ गया आंसर। सिंपली आप इसका फोर्थ पार्ट करिएगा और करके मुझे बताइएगा कितने बच्चे इसको सोल्व कर सकते हैं, और साथ साथ कमेंट में दोगे, और वीडियो को कंप्लीटली आप लोग वॉच किया करें जिससे कि आप लोग सारी चीज़ें सीख जाओ और कंटिन्यूस वीडियो आपको मिलती रहती है हर एक क्वेश्चन की। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।